सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कलम जोन में। कैसे आप सभी? तो और एक अपने भाई का गाना है जिस आर्टिस्ट का नाम है डार्क डी, और उनका जो गाना है उसका गाने का नाम है वी रोलिन। तो आज हम करने जाएंगे भाई इस गाने का रिएक्शन। और सीरियसली मैं इस आर्टिस्ट को पहली बार सुन रहा हूँ, तो अपने ऑनेस्ट रिव्यू रखें कि गाना कैसा है और आर्टिस्ट में दम है यानी पोटेंशियल है या नहीं, तो वो सब देखेंगे भाई इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, वरना मत ही करना, ठीक है? क्योंकि नहीं चाहिए ऐसे लाइक्स और ऐसे सब्सक्राइबर्स जब तुम्हें वीडियो पसंद ही नहीं आ रही। सो भाई ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और रिएक्शन पे ध्यान देंगे। लेकिन उससे पहले ये तुम्हें बता दो भाई, प्रोडक्शन भाई है द चैम्प म्यूज़िक। ओके, तो मैं भी इन्हें पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब सारे आर्टिस्ट अपने लिए न्यू हैं, ठीक है? तो इसलिए भाई, और तुम भी कमेंट्स में बताना तुम्हें आर्टिस्ट का कैसा लगा। बाकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। डार्क डीज वो, एक सेकेंड। भाई म्यूजिक वीडियो तो सीख के भाई काफी कर लो जितने भी तुम ट्रोलिंग ट्रोलिंग रोलिंग 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 इस जंगल में बन के शेर कर रहे शिकार बिना की हॉलिंग रोलिंग रोलिंग। भाई म्यूजिक वीडियो में काफी अच्छा खासा बजट जो है वो खर्च किया गया है, लाइक मतलब सेटअप वगैरह पूरा, ड्रेस कोड्स, मतलब पूरी गैंगस्टर शीट दिखा रखी है वीडियो में। Let's go भाई, आइस भी है भाई। इस बीट को करने किल डार्क डी द चैंप रहे बेटा अभी यहाँ मिल। ओके मतलब डुओ, भाई ड्रिल है। तरुण भाई के लिए शॉर्ट है क्या? T7 यूज हाँ भाई, ये जो अपना T7 लाइफ स्टाइल है, जो यानी जो रिएक्शन चैनल है जिन भाई का नाम तरुण है, तो उन्हें बोला जा रहा है T7 यू से वी लैकिंग। ओके फक डूड यू टॉकिंग। ओके ओके, मतलब पास्ट में इनकी कोई थोड़ी छोटी मोटी या बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी रही होगी जिसके बारे में अपुंच को कोई अंदाजा ही नहीं है, ठीक है? तो अगर किसी को ये कॉन्ट्रोवर्सी पता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताना भाई क्या सीन है तरुण भाई के साथ इनका। और ये कह रहे कि तरुण भाई ने बोला था कि भाई तू लैक करता है। ओके आगे बढ़ते हैं। कर्द मीन्स नाइफ ना, हर सब टाइटल में भी लिख रखी है। लैंड रिकॉर्ड्स पेपर्स आई कैन शो यू फर्थ। अच्छा मतलब जो जायदाद के पेपर होते हैं, भाई कहाँ से ला रहा है ये बंदा ऐसे वर्ड्स, कहाँ से ला रहा है भाई? कर्द फर्द शर्द कैरेक्टर इन मुझे शरद, हाँ शरद था और गुड्डू तो था ही नहीं, मैं हूँ गुड्डू। अच्छा शरद जो शायद गुड्डू का भाई था मेरे ख्याल से, वो था मेरे को इतनी याद नहीं है। हाँ सीजन, अगला सीजन आने वाला है, तो लेट्स गो भाई। वो तो यहाँ पे सिद्धू मूसे वाले, आई एम रियली सॉरी रियली सॉरी, तो यहाँ पे सिद्धू मूसे वाला पाजी का नाम यूज़ किया गया है और वो यूज़ किया गया सीने पे गोली खाऊं मैं हूँ सिद्धू। मतलब भाई खुद को कंपेयर कर रहा है कि भाई मैं गोली खाने को रेडी हूँ क्योंकि लाइक आई एम सिद्धू। और इसी मेरे ख्याल से वो कहते ना सिमिलीज कहते मेरे ख्याल से, या फिर वो कहते यार यार सिमिलीज का एक अपोजिट होता था, लाइक इन दोनों में जो डिफरेंस है कि किसी की तरह बताना और किसी की तरह कहना। चलो वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, मेरे को खुद अभी थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा। तो सीने पे गोली खाऊं मैं हूँ सिद्धू RIP टू द लेजेंड। भाई ये लिख के बहुत ज्यादा अच्छा गया RIP टू द सिद्धू। ओ भाई फैजल
फैजल यार रेफरेंस बहुत ज्यादा सही है ये वाला भी। क्या रैप उस पैसा कमा पा रहे हैं वो रफ्तार भाई की लाइन उन्हें तुम्हें सुनना चाहिए। तो भाई सही है मजा आ रहा है। दुनिया पे राज करने का कूदा रखे हम खुद नो कैप नो कैप माया में ना होना ना तुम ट्रैप बोल बोल के करेंगे वरना तुमको सारे स्क्रैप इट्स अ ट्रैप नेवर गोना स्टॉप रैप मेरे बोल निकले फ्रॉम माय सोल वॉइड को करे फिल और दिलों में जो है होल ओके सो इट टेक्स टोल पहाड़ों पे होते हील मेरे सोल के मोल आई नीड नो होल दिखे अब गोल ट्रैवल करो I need no hole दिखे अब goal. Okay, fuck man. I need no hole दिखे अब goal. अभी अभी बताऊंगा तो भाई जाके पोगो देख लो ना बहन। दिखे अब goal. Travel करूं इतना गायब हुए। हाँ। मेरे shoe के sole. Beat beat सुझु यार भाई। ये भी मेरी inner recall. ना मैं devil. ना मैं angel. मेरी जिंदगी का अलग angle. तुझसे बिड़े हो जाओगी tangle. जो बोले अब dog. ओके ओके तो भाई फाइनली ये ट्रैक होता है अभी यहाँ पे खत्म। और बात करें गाने की कि गाना मेरे को कैसा लगा पर्सनली, तो यार सबसे पहले यार म्यूजिक वीडियो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। टॉप नोच एक नंबर काम, जो कलर ग्रेडिंग करी गई है और जिस हिसाब से सेटअप क्रिएट किया गया है लाइक अंडर माफिया वाला वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सीख लगा। उसके बाद बीट, जिसने बीट प्रोडक्शन करी है बहुत ज़्यादा सीख गया क्योंकि ड्रिल बीट भाई बहुत ज़्यादा। और अब बात करते हैं मेन रैपर की यानी हमारे डार्क डी भाई की। तो वैसे तो मैंने इन्हें पहले नहीं सुना लेकिन इस ट्रैक में जो सुना उससे पता लग रहा भाई रैपर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और इसके पास भाई जो है वो है वर्ड्स, मतलब ये बंदा वर्ड्स में खेल सकता है और मतलब लिरिकिज्म में ले सकता है। बाकी भाई जो ट्रैक की लिरिकिज्म है और जो इसमें रेफरेंस यूज़ करे गए हैं और जो वर्ड प्लेज है सिमिलीज वगैरह जो भी वो एक नंबर टॉप नोट, जिसे पता लगता है भाई आर्टिस्ट किस हद तक के गाने बना सकता है वो एक ही गाने से पता लग जाता है ठीक है। और लोपे आई में जाके इनके भाई के और भी गाने सुनता क्योंकि अपना काम तो यही ना भाई, अपने को आर्टिस्ट एक्सप्लोर करने होते हैं। भले अपन सब पे रिएक्शन करें ना करें लेकिन आप उन सारे भाई सबका आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करता है भाई, नए नए आर्टिस्ट को। तो अब ये भाई भी आ गए तो भाई का नाम है डार्क डी। ऑफिशियल गाने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जाके सुन लेना और तुम्हें कैसा लगा गाना कमेंट सेक्शन में बता देना। उससे क्या होगा कि आर्टिस्ट अगर जो जो ये वीडियो देख रहा है उसे ही पता लगेगा कि हाँ भाई व्हाट्स ऑडियंस नीड या फिर उन्हें कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा। तो प्लीज़ कमेंट में बता देना अपने रिव्यूज़ कैसे। बाकी आज की वीडियो को कहते हैं रिटर्न ऑफ, आज के लिए से तब भाई टाटा बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल।